नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल, एकदम सादा सिंपल। इसको बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने एक कटोरी दाल मूंग की ली है, धुली हुई है। अगर आपके पास छिलके की दाल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डालने के लिए हमको थोड़ा नमक चाहिए, थोड़ा सा हमने हरा धनिया काट कर रखा है, और ये हरी मिर्च का ठेचा। इसका वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और हमने इसमें थोड़े कड़ी पाक के पत्ते लिए हुए, थोड़ा सा हमको जीरा चाहिए, थोड़े राई के दाने हैं, और थोड़ा हल्दी पाउडर है, और ये है मिर्च पाउडर। तो चलिए अब दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी दाल हम कुकर में डाल देंगे। अगर हमने एक कटोरी दाल ली है तो हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम इसका ढक्कन बंद करके गैस चालू करके रख देंगे। अब 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। चलिए अब देखते हैं हमारी दाल कैसी बनी है। देखिए दाल बढ़िया बन गई है, हमको इसे घोटने की भी जरूरत नहीं है। 2 सीटी में दाल अच्छे से बन जाती है। आइए हम इसको भगोने में निकाल लेते हैं। दाल हमने भगोने में निकाल ली है, अब हम सूप बनाने की तैयारी करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, हम सूप लगाने के लिए सबसे पहले इसमें घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़े से डालेंगे हम सरसों के दाने, और ये है थोड़ी सी हींग, इससे दाल में खुशबू अच्छी आ जाएगी। और ये हमने जो हरी मिर्च का टेचा बना के रखा था वो डाल देंगे। ये टेचे में लहसुन की भी खुशबू है तो टेस्ट और डबल हो जाएगा। और अब ये थोड़े से कड़ी पत्ते, ये है मिर्ची पाउडर। सूप पूरा तैयार हो चुका है, हम इसको दाल में डाल देंगे। और हम इसको अच्छी तरह मिला देंगे। ये देखिए हमारी मूंग की दाल एकदम बढ़िया चटपटी दाल बन करके तैयार है खाने के लिए। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए आप हमारा वीडियो देखकर आप भी एक बार घर पर ट्राई कीजिए, फिर हमको बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।